मैं आपको पूरा ब्रिज दिखाने वाली हूँ जो 300 मीटर लंबा। 3 से 4 साल हमें तड़पाया और उसके बाद ये ब्रिज फाइनली आ ही चुका। हाउ इज दिस 360 व्यू? आप जिस ग्लास के ऊपर से चल रहे हैं, मेरे तो पैर आपको पता ही है हमेशा कांपते हैं। ये ऐसी चीज है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो पतंग जैसा दिखाई पड़ता है, अपने आप हवा आने पर मूव होता है। फर्स्ट फुट ओवर ब्रिज जो कि पूर्व और पश्चिम को जोड़े हुए है। अहमदाबाद की शामें जो बहुत ही ज्यादा रंगीन हो गई हैं, उसमें कलर ऐड करता हुआ ये ब्रिज, ओह माय गॉड। मैं हूँ आरजे अर्चना जानी एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। मैं आपको पूरा ब्रिज दिखाने वाली हूँ जो 300 मीटर लंबा है और इस बहाने हम थोड़ा वॉक करेंगे, एक्सरसाइज तो कर लेंगे। इस ब्रिज को मैं यहाँ से आपको दिखा रही हूँ और इसके बाएं और दाएं, जैसे कि आप देख रहे हैं, साबरमती नदी के किनारे ये जो ब्रिज है, 3 से 4 साल हमें तड़पाया और उसके बाद ये ब्रिज फाइनली आ ही चुका है। मेरे ख्याल हम अपने आप पर नियंत्रण रखेंगे और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती में कोई भी प्रकार की कमी आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप शहर अहमदाबाद से हैं तो एलिस ब्रिज जो कि सबसे पुराना और हमारा सीनियर सिटीजन ब्रिज है, और सरदार ब्रिज, दोनों के बीच में ये फुट ओवर ब्रिज आ चुका है और अहमदाबादियों को चलने की आदत लगने वाली है जैसे मुंबईकर्स को है। मैं चलते चलते काफी दूर तक आ चुकी हूँ और आपको बता दूं कि 300 मीटर इस पूरे ब्रिज की लंबाई है और एलिस ब्रिज सरदार ब्रिज के बीच में, यानी कि पूर्व और पश्चिम को जोड़ता हुआ ये जो ब्रिज है वो 4 सपोर्ट्स पे, यानी कि पानी में से 4 सपोर्ट्स निकले उस हिसाब से ये ब्रिज हवा में आपको नजर आएगा और 3 स्पैन्स है, यानी कि 3 स्पैन 100 मीटर के, एंड दैट मेक्स इट 300 मीटर। हाउ इज दिस 360 व्यू? द विड्थ ऑफ दिस ब्रिज लेट मी टेल यू इज अराउंड 10 मीटर्स और अगर सेंटर से देखें तो 14 मीटर इसकी विड्थ है। आप देखिए मेरे साथ चलते चलते आप ऑलमोस्ट सेंटर में पहुंच रहे हैं और बीच में जो आपको नजर आ रहा है, यस दैट इज अ कियोस्क, क्योंकि अहमदाबादी जो है उनको चलते चलते जल्दी से भूख लग जाती है तो डेफिनेटली उन्हें सहारा देने के लिए कोई तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर उन्हें खाना पीना मिलते रहे। सेंटर ऑफ द ब्रिज पहुंच चुकी हूँ मैं, जहाँ पर वुडन फ्लोरिंग है और यहाँ से क्या खूबसूरत लगता है ये ब्रिज। सेंटर ऑफ द ब्रिज कुछ ऐसा नजर आता है। यहाँ पर 2 सरप्राइजेस हैं। सबसे पहले तो जो लोग मेरी तरह दुबई जा चुके हैं ऑलरेडी, उनके लिए थोड़ा सा हल्का फुल्का होने वाला है ये, लेकिन दिस कम्स ऑलमोस्ट लाइक एन एडवेंचर। आप जिस ग्लास के ऊपर से चल रहे हैं, मेरे तो पैर आपको पता ही है हमेशा कांपते हैं, लेकिन नीचे सिर्फ साबरमती नदी है, सीधा पानी है। क्या ये ग्लास टूट जाएगा? क्या मैं जिंदा बच पाऊंगी, बच जाऊंगी? राम 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 राम। पहुंच गए, बच गए हैं और सामने जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज बीन क्रिएटेड ताकि जितने भी लोग यहाँ पर आए इसका लुत्फ उठाए इस जगह का। ये सेल्फी पॉइंट डेफिनेटली बनने वाला है। यहाँ से सेल्फी लीजिए या इसके साथ सेल्फी लीजिए या उस तरफ से सेल्फी लीजिए, मतलब सेल्फी के तो दीवाने हैं, उसी के लिए तो जिंदा है, उसी के लिए तो फोन खरीदते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं द पावर ऑफ विंड, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज में एओलिक जिसका मतलब बनता है पावर ऑफ विंड, ये ऐसी चीज है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो पतंग जैसा दिखाई पड़ता है, अपने आप हवा आने पर मूव होता है। इंडिपेंडेंटली ये स्ट्रक्चर जब मूव करेगा तो एक और अट्रैक्शन यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर ईटरी है, आप खा पी के आगे की ओर बढ़ेंगे और 300 मीटर यूं ही चल देंगे। मैं तो यहाँ पर रोज जॉगिंग करने वाली हूँ क्योंकि मेरा घर बहुत ही ज्यादा करीब। हैव अ लुक वन मोर टाइम, साबरमती के किनारे फर्स्ट फुट ओवर ब्रिज जो कि पूर्व और पश्चिम को जोड़े हुए है विद LED लाइट्स जो कि रंग बदलती है। वो ये रात को क्या नजर आएगा।